बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक एक्सपेरिमेंट के साथ हम हाजिर हुए हैं। ये एक्सपेरिमेंट है मैग्नेट का और हम ये देख रहे हैं कि विच मटेरियल इज पिक्ड अप बाय अ मैग्नेट। हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 से लेकर 7 तक आपके सामने। नेल, पेंसिल, रबर बैंड, सीजर्स, बुक, प्लास्टिक स्पून, स्टील ग्लास। ठीक, अब हम इसको एक मैग्नेट के जरिए जो है वो हम जानेंगे कि मैग्नेट जो है वो किन चीजों को पिक कर रहा है और किन को नहीं। जिसको पिक करेगा हम उसको पिक पे टिक लगाएंगे और जिसको नहीं करेगा हम क्रॉस करेंगे। उसके बाद लास्ट कॉलम में हम मटेरियल के बारे में लिखेंगे कि किस मटेरियल का जो है वो ये ऑब्जेक्ट जो है वो बना हुआ है। एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। दिस इज मैग्नेट, ठीक है। एक मैग्नेट जो है वो दूसरे मैग्नेट के साथ जो है वो ये अट्रैक्ट हुआ और ये यूं इसके साथ स्टिक हो गया, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे कि नेल जो है, नेल ये नाखून वाला नेल नहीं है, इट्स मटेरियल जो है ये है हमारा नेल, ठीक। अब ये नेल जो है वो इसके साथ जो है वो कर रहा है कि नहीं। ये नेल है हमारे साथ पास और ये है हमारे पास मैग्नेट, और ये आप देखें जैसे ही मैग्नेट इसके करीब आया कि नेल इसके साथ जो है वो ये चिपक गया मेरे हाथ पे। देखें आप, सिर्फ नेल रह गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है नेल को, पिक अप ठीक लग जाएगा। और ये नेल जो है वो किस मटेरियल का है, ये है मेटल। मेटल में अल्मोनियम, सिल्वर, स्टील ये सब शामिल है, ठीक। नाउ सेकेंड है हमारे पास पेंसिल। ये आपको पेंसिल नजर आ रही है, ये पेंसिल है और ये है मेरे पास मैग्नेट। पेंसिल बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर रही मैग्नेट को, बिल्कुल भी नहीं इसके साथ चिपक रही है। तो यहां पर क्रॉस लगाएंगे। पेंसिल किस मटेरियल की होती है, ये वुड की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि वुडन मटेरियल को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। नंबर थर्ड, रबर बैंड, ठीक है। अब ये आप देखें, मैग्नेट में लेती हूं और रबर बैंड के साथ अट्रैक्ट करके देखते हैं इसको कि अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं। अगर ये अट्रैक्ट कर रहा होता तो ये मैग्नेट जो है वो बिल्कुल चिपक चुका होता और ये रबर के साथ ऊपर जा रहा होता, लेकिन ये बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मैग्नेट जो है वो इसको पिक नहीं कर रहा। बैंड किस मटेरियल का है, रबर का। तो ये पता चला कि रबर का मटेरियल जो है वो मैग्नेट पे नहीं करता। ऑब्जेक्ट है सीजर्स। सीजर्स मींस ये कैंची, ठीक है। अभी आप देखें कैंची मेरे हाथ में और ये मैग्नेट, मैग्नेट को जैसे ही मैं इसके पास लेके आ रही हूँ, ये देखें इसकी अट्रैक्शन से ये इस पे स्टिक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है सीजर को। मैग्नेट ने पिक किया है सीजर को, यस। और जो है वो मटेरियल क्या है, ये है मेटल। अब है नेक्स्ट बुक। अगर आप बुक लें या आप पेपर लें, एक ही बात है। ये बुक है, ठीक। अब ये है मैग्नेट। अब ये देखें, ये बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं इसको खींच रहा। इसका मतलब यह हुआ कि मैग्नेट जो है वो बुक को अट्रैक्ट नहीं करता। सेम आप अगर एक कागज लें, मैग्नेट जो है वो कागज को जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा, पेपर को पिक नहीं किया। पेपर और या बुक जो है वो किस मटेरियल की है, ये आपकी वुडन मटेरियल है। कागज और ये किताबें जो है वो दरख्त से बनती हैं, वुड से बनती है, इसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर रहा। देन प्लास्टिक स्पून। अब ये प्लास्टिक मटेरियल है मेरे पास, इसको देखते हैं। प्लास्टिक का स्पून आपको नजर आ रहा है और ये है मैग्नेट। अब ये देखें, ये बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा इसके साथ। प्लास्टिक स्पून जो है वो पिक नहीं किया मैग्नेट ने। और ये मटेरियल क्या था, प्लास्टिक मटेरियल था। प्लास्टिक मटेरियल में भी मैग्नेट से अट्रैक्शन नहीं होती। लास्ट मटेरियल है हमारे पास ग्लास जार। ये हमारे पास ग्लास जार है और ये है मैग्नेट।
इसको हम अट्रैक्ट करके देखते हैं, नो नो अट्रैक्शन एट ऑल, कि ग्लास के जो मटेरियल्स हैं उनमें वो मैग्नेटिक नहीं करते, तो ग्लास में जो है वो ग्लास को मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो अट्रैक्ट नहीं करते। अब आप मटेरियल्स की लिस्ट में जाएं और देखें एक मैग्नेट ने कौन से मटेरियल्स को पिक किया है। नेल को पिक किया है, ये मेटल था, ये टिक आया नंबर 4 पे, सीजर्स है, सीजर्स भी मेटल से मिलके बना है, मेटल के अलावा किसी भी चीज को मैग्नेट ने पिक नहीं किया। तो कंक्लूजन हमारा ये होगा कि द मेटल ऑब्जेक्ट्स आर पिक्ड बाय मैग्नेट। ये हमारे आज के एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ज़कात के बारे में, ज़कात किस तरह से निकाली जाती है, और क्योंकि ये मंथ ऑफ रमज़ान होली मंथ आया है तो ज़कात की कैलकुलेशंस के बारे में और उसके बारे में एक मुख्तसर सी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे।